हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमिताभ वालिया और मैं जनरल मैनेजर वीएलसीसी वेलसेंस में। और आज हम लोग थोड़ा आयुर्वेद के ऊपर डिस्कस करेंगे, आयुर्वेद का थोड़ा ज्ञान लेंगे। फ्रेंड्स, हम सब लोग प्रकृति का पार्ट हैं, हम लोग सब लोग नेचर के साथ हैं। और जब भी हम नेचर के साथ रहते हैं, अलाइन रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, और जब हम लोग नेचर के विपरीत कोई कार्य करते हैं तो फिर डिजीज पैदा होते हैं। जैसे कोरोना भी एक एग्जाम्पल है कि चाइना में अगर उन्होंने प्रकृति के विपरीत ऐसी चीजें भोजन में ली, जैसे बात कर रहे हैं कि वो बैट या चमगादड़ वो लोग लिए उन लोगों ने, और इसका परिणाम पूरी दुनिया भुगत रही है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आयुर्वेद में बात करते हैं कि आहार और विहार, जिसको आज इंग्लिश में लाइफस्टाइल बोलते हैं, कि हमारा अगर आहार और विहार ठीक है तो हम स्वस्थ रहेंगे। और हम सब लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम सब लोग प्रकृति का अभिन्न हिस्सा हैं, हम इससे अलग नहीं हो सकते। तो अगर हम और आप प्रकृति के साथ अलाइंड होके सामंजस्य स्थापित करके जिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और जब ये सामंजस्य टूट जाता है तो डिजीज और बीमारियों पनपती है। तो इसको आज हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि आज हम इसको समझें। जैसे आयुर्वेद का मतलब है आयु और वेद, आयु का मतलब जीवन और वेद का मतलब ज्ञान। भारत का ये ज्ञान करीब 5,000 वर्ष पुराना है और करीब 2,500 साल पहले तो ये लिखा भी जा चुका है। जैसे महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी, जिसको आज हमारे डॉक्टर्स पढ़ते हैं, फिजिशियंस पढ़ते हैं ये। और महर्षि चरक के एक शिष्य हुए हैं महर्षि वाग्भट, जिन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट करे। महर्षि चरक ने करीब 5,000 सूत्र लिखे आयुर्वेद के, और महर्षि वाग्भट ने उनको एक्सपेरिमेंट किया, एक एक सूत्र को 50 बार, तब जाके उन्होंने एक किताब लिखी अष्टांग हृदयम के नाम से। हमारा जो आयुर्वेद है प्राचीन, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, इट्स वेरी साइंटिफिक, इसलिए ये आज भी इतने हजारों साल के बाद भी वैलिड है। और जैसे हमारे जो वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में इसके बारे में डिटेल्स। प्रकृति क्या है कि हम सब लोग पांच चीजों से बने हुए हैं, जिनको पंच महाभूत बोलते हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। और हम सबकी जो है हमारी जो बॉडी, शरीर की रचना है, हम सब लोग एक प्रकृति लेके पैदा होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और हम में इन सब का अलग-अलग जो है क्वांटिटी होती है। अब इन पंच महा जब तक ये बैलेंस रहती हैं हमारी बॉडी में तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं, और जब बॉडी में इम्बैलेंस होता है तो हम लोग अस्वस्थ होते हैं और बीमारी की उत्पत्ति होती है। जैसे आपने सुना होगा कि तीन तरह की प्रकृति हम लोग दोष बोलते हैं, वात, पित्त और कफ। इनको दोष क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जीज है, बेसिकली वात और पित्त और कफ जो है ये एनर्जीज है। तो जब तक ये बैलेंस है, जब तक ये इक्विलिब्रियम में है तब तक स्वस्थ हैं, और जब इनमें इम्बैलेंस होता है तो रोग पैदा होते हैं। तो अब हुआ कि हम पंच महाभूत से बने हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। सबसे पहले हम बात करते हैं वात प्रकृति। वात बनता है वायु और आकाश से। ओके, तो जिस व्यक्ति में वात ज्यादा है तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी, उसके अंदर जो क्वालिटीज होंगी, वो वायु और आकाश की होंगी। वायु क्या है? वायु कैसी होती है? हल्की। वायु कैसी होती है? ड्राई। वायु कैसी होती है? हमेशा मूवमेंट करती रहती है। ओके, तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे जिनकी वात प्रकृति होगी, जिनके अंदर वात, वायु और आकाश ज्यादा होगा, तो ऐसे लोग पतले होंगे, या तो बहुत लंबे होंगे या बहुत छोटे होंगे, क्योंकि वायु रुकती नहीं है। तो ऐसे लोग एक जगह पे टिकते नहीं है, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। ऐसे लोगों को सिर में हमेशा तनाव रहता है, माइग्रेन रहता है, क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा विचार चलते रहते हैं इनके अंदर। वायु क्योंकि ड्राई होती है तो ऐसे लोगों की स्किन ड्राई होगी। वायु क्योंकि ठंडी होती है, ड्राई होती है, तो ऐसे लोगों की जो है सर्दियों में इनको ठंड बहुत ज्यादा लगेगी। और वायु होता है मूवमेंट, वायु से मूवमेंट होता है। तो जितने भी वात जो होता है, जो हमारे मूवमेंट है, जैसे ब्लड हमारा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन हमारा है,
ये सब हमारे वात की जगह पर है। तो ये प्रकृति होगी जिसको हमने बोला वात, यानी कि जिसमें वायु और आकाश ज्यादा हो, ऐसा वात प्रकृति के लोग होते हैं। ये थोड़े अनप्लान से होते हैं, टिकते नहीं एक एक चीज पर, है ना, क्योंकि वायु मूवमेंट है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप ऐसा जॉब दे दें कि जो वो बैठ के और कुर्सी में बैठे, तो विश्वास मानिए वो परेशान हो जाएगा उस जॉब से। ऐसे व्यक्ति को तो मूवमेंट वाला काम चाहिए। ऐसे लोगों की ड्राई होती है स्किन और इनको सर्दी ज्यादा लगती है, तो ऐसे लोगों को अगर आप कश्मीर में या किसी पहाड़ी इलाके में भेज देंगे तो इनको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। वा 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 वात है मूवमेंट, ओके, सो वात मूवमेंट है। तो ऐसे लोगों को जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है ना, ड्राइनेस होती है, ये सारा वात प्रकृति क्या है। इसी प्रकार से जो दूसरी प्रकृति है उसको पित्त प्रकृति बोलते हैं। तो दूसरी इसमें जो चीज होती है वो है अग्नि और जल। देखिए प्रकृति का कितना बड़ा नियम है कि अग्नि और जल को एक जगह पर ही रखा है। तो अग्नि और जल जिसकी शरीर में ज्यादा होता है उसको पित्त प्रकृति होती है। तो वायु जहां वात है मूवमेंट ट्रांसमोटेशन वात का काम है, और पित्त का काम है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा खाना हजम होता है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हमारी मेमोरी है, जो भी हमारी थॉट है, ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन, शरीर में भोजन को रस में परिवर्तित करना, खाने को पचाना, ये सारा काम जो है पित्त का होता है। तो पित्त कहाँ पे होगा? स्टमक में होगा। पित्त कहाँ होगा? लीवर में होगा। हमारा खाना हजम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पित्त कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। पित्त में क्योंकि अग्नि है, तो ऐसे व्यक्ति जो जिनकी पित्त प्रकृति होती है, तो आप इनके देखेंगे कि इनके थोड़े ब्राउनिश बाल होंगे क्योंकि अग्नि है, इनकी आंखें थोड़ी सी ब्राउनिश होंगी क्योंकि अग्नि है, ये ज्यादातर सांवले नहीं होते, थोड़ा इनका अग्नि की वजह से रंग थोड़ा साफ होता है। और ऐसे लोगों को गर्मी बहुत लगती है क्योंकि पित्त ज्यादा है। क्योंकि पित्त बहुत अच्छा है तो पाचन बहुत तेज होता है, तो जैसे ही कुछ भी खाएंगे एकदम हजम हो जाता है, इनको बार बार भूख लगती है। जहां वात प्रकृति का पाचन बहुत स्लो होता है, तो ऐसा व्यक्ति वात वाला जो है वो थोड़ा सा भी खाना खाता है तो उसका पेट भर जाता है, चिड़िया की तरह खाना खाता है वो, और उसको जो है बार बार भूख लगती है, पर बहुत थोड़े में सेटिस्फाई हो जाता है। पित्त वाला जो है इसमें अग्नि ज्यादा होती है तो इनका पाचन बहुत तेज होता है, तो इनका पाचन बहुत अच्छा होता है। पित्त क्योंकि अग्नि होता है, ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, दिल के साफ होते हैं पर अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। पित्त जो है, पित्त प्रकृति के लोग का जो है, तो इनको आप गर्मी में रखेंगे, इनको अगर राजस्थान में आप नौकरी दे देंगे तो ये परेशान हो जाएंगे। ये लोग बड़े मेथोडिकल होते हैं, बड़े प्लानिंग वाले होते हैं, तो इनको कोई भी काम ऐसा देंगे जो आप प्लानिंग हो, स्ट्रेटेजी हो, इसको बहुत अच्छा काम करेंगे। जहां वात वाला थोड़ा सा इरेगुलर होता है, वात वाला व्यक्ति वो थोड़ा प्लानिंग व्लानिंग से दूर रहता है, पित्त वाला व्यक्ति जो है ये बहुत प्लानिंग वाला होता है, बहुत स्ट्रेटेजी वाला होता है। ठीक है, तो अगर आपके आर्मी वाले पित्त वाले होंगे तो बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि उनके अंदर अग्रेशन भी है, अग्नि भी है, ओके, तो इस तरह की पित्त प्रकृति होगी। वात वाला जो वायु वाला है उसका वजन कभी बढ़ता नहीं है। अगर वो बहुत ही अपना खराब जीवन शैली कर दे, बहुत ही खराब वेट पाच खाने का सिस्टम कर दे तो वो बढ़ेगा फिर, वरना वो पतला रहता है। पित्त वाले का कभी वजन बढ़ता है कभी घटता है, मगर क्योंकि उसका पाचन ठीक है तो वो चला लेता है उसको। तीसरा बनती है कफा प्रकृति। कफा बनता है जल और आपका पृथ्वी से। तो कफा का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप जैसे दही है, दही में पानी भी है और उसके अंदर हैवीनेस भी है, तो ये कफा का एग्जाम्पल है। सो कफा जो है ये जल और पृथ्वी से बना है, तो ऐसे लोग जो है जिनमें कफा ज्यादा होता है तो ये भारी भरकम होते हैं, इनके भारी शोल्डर्स होते हैं। जब आप इनसे हाथ मिलाओगे तो पित्त वाले को मिलाओगे तो आपको गर्म लगेगा, वात वाले को बोलोगे थोड़ा ड्राई हाथ लगेगा, और कफा वाले से जब मिलोगे, क्योंकि कफा है जल और पृथ्वी, तो ये भारी भरकम लोग होते हैं, कंधे इनके चौड़े होंगे और हाथ थोड़े आपको इनके ठंडे लगेंगे। कफा वाला शांत प्रिय व्यक्ति होता है, वो बोलता है कोई नहीं, आग लग रही है कोई बात नहीं, बुझ जाएगी, ये लोग टेंशन नहीं करते। अब कफा क्योंकि भारी है, पृथ्वी है, तो ऐसे लोग ज्यादा वजन बढ़ जाता है, ये हवा भी खाते हैं तो वजन बढ़ जाता है, और तो ये इनके साथ दिक्कत है कि
बहुत भारी भरकम होते हैं, तो जो कफा है, कफा हमें लुब्रिकेंट देता है। तो जो हमारा जॉइंट्स में ग्रीस है, जो हमारा म्यूकस है, ओके, ये सारी चीजें जो है शरीर में, जो भी तरल बनता है, जो भी म्यूकस वाली चीज बनती है, वो सब कफा बनाता है। तो ये तीन तरह का प्रकृति हो गया हमारा, एक वात वायु और आकाश, पित्त जल और अग्नि, और उस प्रकार से हमारा जल और पृथ्वी आपका जो है कफा हो गया। तो आप इस तरीके से अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। हम में तीनों प्रकृति, ऐसा नहीं है किसी में एक चीज 100 है दूसरी 0 है, 0 कुछ नहीं होगा। हम सब में अपनी अपनी प्रकृति होती है। जैसे अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा पतले हैं या बहुत ज्यादा हाइट में कम है, इरेगुलर, आपका दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ता है, आपको एक जगह बैठ नहीं सकते, आपके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, आपकी काली आईज हैं, आपके थोड़े घुंघराले बाल हैं और थोड़ा सांवले रंग पे रहेंगे, और तो आप ठंड बहुत लगती है आपको, ड्राइनेस बहुत रहती है, त्वचा जल्दी फट जाती है, ठीक है, पाचन थोड़ा सा कमजोर रहता है, थोड़ी गैस की प्रॉब्लम रहती है, ओके, कॉन्स्टिपेशन हल्का सा रहता है, पेट क्लियर नहीं होता, तो कोई भी ठंडी चीज खाते हैं तो एकदम से आपका गला खराब हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है आपको पता लगेगा कि आपका जो है वात वात प्रकृति है। अब अगर आपको गर्मी पसंद नहीं है, धूप में आप परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी ब्लास्ट कर लेते हैं आप, ओके, पाचन बहुत तेज है, खाते हैं एकदम से हजम हो जाता है, थोड़े घुंघराले बाल हैं आपके, तो अगर ये सब बात करें हम, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी पित्त प्रकृति है। और आपको जो है मस्त मौला है, शांत मन के हैं, मीठा खाने का बहुत शौक है, खाने के शौकीन हैं, भारी भरकम आपकी बॉडी है, ओके, तो आपको बरसात पसंद नहीं है, बरसात, क्योंकि आपके अंदर वैसी जल बहुत है, तो आप ये मान सकते हैं कि ये कफा प्रकृति। तो मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया होगा कि तीनों प्रकृति है, पर प्रधान प्रकृति आपकी कौन सी, आपको आइडिया हो गया। नंबर 1। अब जिस प्रकार से हमारी अपनी प्रकृति है, तो उस प्रकार से हमारे खाने की, हमारी भोजन की भी प्रकृति। तो अब हम 6 तरह के, आयुर्वेद में बोलते हैं हम षट रस, 6 तरह के रस हमारे भोजन में होते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, तीखा, कसैला, स्वीट, सार, बीटर, पंजंट, एस्ट्रिंजेंट। तो जिस प्रकार से हमारी प्रकृति है, उसी प्रकार से जो भोजन है उसकी भी प्रकृति होती है। तो अगर आप मीठा, नमकीन, खट्टा खाएंगे, मीठे से क्या बढ़ेगा, बोलते ना खांसी हो रही है, मीठा मत खाओ, क्योंकि मीठा बढ़ाता है कफ को। तो अगर आप मीठा व्यक्ति, कफ जिसको हो रहा है, खांसी हो रहा है, तो मीठा खाएगा तो कब बढ़ाएगा। नमकीन और खट्टा, जब एसिडिटी होती, क्या बोलते हैं कि नमकीन और खट्टा मत खाइए, क्योंकि नमकीन और खट्टा क्या बढ़ाता है, आपका पित्त बढ़ाता है। अगर आप तीखा खाना खाएंगे, पंजंट, अदरक खाएंगे, लहसुन खाएंगे, बहुत मसालेदार खाएंगे, तो क्या बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा आपका। यस, तो मीठा, तो जो वात प्रकृति का व्यक्ति है, जो वायु और आकाश जिसमें ज्यादा है, ड्राइनेस है उसको, तो उसको जैसे अगर वो सलाद खाएगा, ड्राई चीजें खाएगा, तो और ड्राइनेस बढ़ेगी। तो वात वाले को अगर सलाद भी खाना है, थोड़ा सा ऑयल में हल्का सा मॉइस्ट करके खाना, बहुत ज्यादा ड्राई चीजें मत खाइए आप ऐसे फल खाइए जिनमें रस हो, क्योंकि आप ड्राइनेस है। तो बेसिकली बैलेंस के लिए हमें क्या करना है, कि हमारी प्रकृति को बैलेंस करने के लिए हमको विपरीत तरह का भोजन करना है। तो अगर आपकी वात प्रकृति है, ड्राइनेस है, तो ड्राई चीजें मत खाइए, मॉइस्ट खाइए, ऐसे फल खाइए जिनमें रसा हो, ओके, मौसमी खाइए, संतरा खाइए, इस तरह की चीजें खाइए, केला खाइए, है ना, क्योंकि आपके अंदर ड्राइनेस है, ओके। सो जो वात प्रकृति के लोग हैं, वो मीठा, नमकीन और खट्टा खा सकते हैं, ठीक है, मीठा, नमकीन और खट्टा खाएंगे तो वात उनका थोड़ा बैलेंस रहेगा। यस, अब आ जाओ आप पित्त प्रकृति में। पित्त प्रकृति है अग्नि, तो ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा खट्टा और बहुत ज्यादा नमकीन नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, इनको मीठा खा सकता है,
प्रकृति वाला, कड़वा खा सकता है, बिटर और एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट मतलब जैसे आप सेब खा रहे हैं, अनार खाते हैं, ये कसाए बोलते हैं इसको, ये टेस्ट है। सो पित्त प्रकृति वाले को तीखा खट्टा ये सारा नहीं खाना है, पंजन नहीं खाना है। ओके, ये तो ये आपको नहीं करना। कफा व्यक्ति भारी है, तो कफा व्यक्ति को मीठा, नमकीन और खट्टा नहीं खाना, क्योंकि कफा भी मीठा भी आप जानते हैं, खांसी होती है, अगर आप खाएंगे तो दिक्कत करेगा, तो मीठा, नमकीन, खट्टा नहीं खाना है। तो इस तरीके से ये 6 तरीके के आपके टेस्ट हो गए। वात प्रकृति मीठा, नमकीन, खट्टा खा सकते हैं। पित्त प्रकृति मीठा, कड़वा और कसैला खा सकते हैं। और कफ प्रकृति आप तीखा खा सकते हैं, आप कड़वा खा सकते हैं, बिटर और एस्ट्रिंजेंट खा सकते हैं, मीठा नहीं खाइए। तो ये हमारे भोजन में प्रकृति हो गई। अब तीसरी बात आ गई हमारे समय में प्रकृति। सो हमारे पास 24 घंटे हैं, सुबह 2 से 6 वात प्रकृति होती है, वात है ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसे जो पुराने लोग होते थे, हमारे दादाजी वगैरह जो बड़े प्रकृति के साथ थे, और उस जमाने में व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सब चीजें नहीं होती थी कि लोग शाम को देर तक इन्वॉल्व रहे, तो सुबह को 2 से 6 वात काल होता है। वात मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट। तो जो लोग सुबह 4 बजे उठते थे और टॉयलेट जाते थे, तो उनका पेट क्लियर हो जाता था, क्योंकि वो 2 से 6 वात काल में टॉयलेट जाते हैं, और टॉयलेट है ट्रांसपोर्टेशन। आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, आपका जो मूवमेंट है, उसको वात गवन करता है। तो सुबह को अर्ली जो जाते थे, उनको पेट क्लियर हो जाता था, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता था। तो 2 से 6 सुबह को वात होता है, और दोपहर को भी 2 से 6 वात काल होता है। पुराने लोगों को आप देखते हैं कि वात काल में वो दोपहर को खाने के बाद क्या बोलते हैं कि चलो थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा सा हल्का सा नैप ले लें, हल्की सी थोड़ी नींद ले लें, वात। ओके, सो सुबह को 2 से 6 और दोपहर को 2 से 6 वात काल होता है। फिर 6 से 10 सुबह और 6 से 10 शाम कफा काल होता है। ओके, तो 6 से 10 कफा काल होता है कि भाई आप अपना नाश्ता करिए, आप दिन के खाने के लिए, दिन के काम के लिए तैयार हुए, अपना नाश्ता करें अच्छे से, और धीरे धीरे आदमी अपने दिनचर्या की ओर 6 से 10 बढ़ता है। तो सुबह 6 से 10 और शाम को 6 से 10 कफा काल। उसके बाद दिन में 10 से 2 और रात को 10 से 2 आपका पित्त काल है। 10 से 2 आप देखिए पित्त बढ़ा हुआ है, यानी कि पाचन बहुत तेज है, और 10 से 2 हमें ही सबसे हैवी काम करने चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह को एनर्जी जाते ज्यादा हमारे अंदर होती है। 10 से 2 जब आप खाना खाएंगे तो आपका पाचन तेज होगा, क्योंकि पित्त ज्यादा है। और रात को 10 से 2 क्या होता है, जब आपके अंदर पित्त होता है, तो जो भी आपने दिन भर में खाना खाया, आपकी बॉडी की रिपेयर होती है, जो भी आपके दिन भर में घटनाक्रम हुए, वो सब प्रोसेस होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि पित्त इज ट्रांसफॉर्मेशन, सो सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो भी हमने दिन भर में घटनाक्रम हुए, वो हमारे ब्रेन में फाइल बन रहा है उनका। जो भी हमारा टिश्यू डैमेज हुआ, जो भी बॉडी को रिकवरी चाहिए, वो पित्त काल में रात को 10 से 2 उसका पूरा का पूरा रिपेयर होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए जब आप बिस्तर पे जाएं, तो आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे आपके हो जाने चाहिए खाना खाए हुए, क्योंकि अगर 10 से 2 रात को आपका पित्त काल में आपने खाना खाया, तो आपकी बॉडी को जो रिपेयर करना था, वो रिपेयर ना करके वो सारी उसकी जो एनर्जी है, वो आपके भोजन को पचाने में यूज हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। और सुबह को जब आप उठेंगे, तो आप बहुत थके हुए से उठेंगे, आपको लगेगा कि यार बहुत थकान हो रही है, क्योंकि जो एनर्जी बॉडी की यूज होनी थी रात को 10 से 2 पित्त काल में, आपकी बॉडी की रिपेयर करने की दिन भर की, वो यूज हो रही है आपके खाने को पचाने। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डिनर है वो 7-8 बजे के आसपास हो जाए। तो ये आपको बहुत ध्यान करना है, बहुत लेट डिनर मत करिए रात को 10 बजे, क्योंकि फिर आपको ठीक से नींद में नहीं आएगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं कि कफा काल में आप सोए। ओके, तो आप 6 से 10 से 7-8 बजे खाना खाएं, और 10 बजे से पहले अगर सो जाए, तो सुबह को थोड़ा सा आप ताजा उठेंगे, और जल्दी सोएंगे तो सुबह को जल्दी भी उठेंगे। तो आपकी अपनी प्रकृति आपको जानना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, हमने बात करी भोजन की प्रकृति की, मीठा, नमकीन, खट्टा जो है ये क्या करेगा, कड़वा
किसको खाना है, तीखा किसको खाना है, खट्टा किसको खाना है। अब इसके बाद हमारे समय की प्रकृति हो गई। अब आप खुद सोचिए कि शाम को 6 से 10 जब कफ काल हो रहा है, इसलिए तो बोलते दही मत खाइए, क्योंकि 6 से 10 कफ बढ़ रहा है और आप दही खा रहे हैं। शाम को 6 से 10 ठंडा है मौसम और आप दही खा रहे हैं तो नुकसान करेगा। दोपहर को इसलिए बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मसाले वाले खाने मत खाइए, क्योंकि 2 से 10 दोपहर को, आपके 10 से 2 दोपहर को आपका पित्त काल चल रहा है। पित्त काल में आप ऐसे भोजन खा रहे हैं जो बहुत मसालेदार है, बहुत है, तो आपके अंदर और पित्त बढ़ेगा, आपके अंदर और अग्नि बढ़ेगी। ओके, वात काल में ड्राई चीजें मत खाइए। तो इसलिए देखिए बहुत सारे लोग जो ब्रेक जो फल खाते हैं, वो सुबह को फल खाने का सबसे सही समय कब है, सुबह को आप खाली पेट फल खाइए, भोजन के बाद मत फल खाइए। जो एक बहुत गलती सब लोग करते हैं विशेषकर भारत में, कि भोजन के बाद फल खाते हैं। याद रखिए फल जो है आपके इंटेस्टाइन में हजम होते हैं, और जो आपका प्रोटीन और ये सब है ये आपके पेट में हजम होता है। तो पहले क्या आता है, पहले पेट आता है फिर इंटेस्टाइन आती है। तो अगर आपने पहले खूब सारा भोजन कर लिया, खाना खा लिया दबा के, और फिर आपने फल खाया, तो जब तक आपका वो खाना पचेगा नहीं, तब तक वो फल आपके पेट में पड़ा रहेगा और वो सड़ेगा, सड़ेगा तो गैस पैदा करेगा और आपको नुकसान करेगा। इसलिए सबसे पहले सुबह उठ के जो है आपको फल खाने चाहिए खाली पेट। वो आपके पेट क्योंकि खाली होगा, उसको बाईपास करके वो सीधा आपकी इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां पर वो हजम हो जाएगा, वहां पर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसलिए प्रकृति के हिसाब से समय के अनुसार खाइए। सुबह को जब वात काल है तो तरल वाली चीजें खाइए, दोपहर को पित्त काल, इसलिए तो बोलते हैं दही खाइए दोपहर को, छाछ पीजिए, अभी गर्मियां आ रही हैं, छाछ पीजिए, दही खाइए, नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए। तो ये चीजें आप दोपहर में करिए। अब शाम को सबका मन करता है ठंड में आइसक्रीम खाने का। अब कफा काल चल रहा है और आप आइसक्रीम खा रहे हो, फिर आपका गला पकड़ रहा है, और ऊपर से आपकी वात प्रकृति है, वात वाले को ठंडा वैसे ही नहीं सूट करता, ऊपर से शाम को कफा काल है और साथ में आपने ठंडी आइसक्रीम खा ली, तो गला तो पकड़ेगा ही फ्रेंड्स। सो ये 3-4 चीजों को आप समझ के रखिए, कि अपनी प्रकृति को समझिए, भोजन की प्रकृति को समझिए, सुबह का जो काल चक्र है इसको समझिए। अब आपके मौसम में भी प्रकृति आ गई। अब आप खुद जान समझ गए होंगे कि अब जो ये गर्मियों का मौसम हमारा अप्रैल मई जून का है, इसमें क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी तो पित्त बढ़ेगा, तो पित्त काल में गर्म खाने खाएंगे, मसालेदार खाना खाएंगे, आपकी प्रकृति भी अगर पित्त है तो आपको दिक्कत होगी, होगी एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। फिर हमारा जो है जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक बारिशें होती हैं, तो आप खुद समझ गए हैं कि कफा काल है। इसलिए बोलते हैं कि बरसात के मौसम में हरी सब्जियां मत खाइए, क्योंकि हरी आपके अंदर मौसम में कफ बढ़ा हुआ है, पानी बढ़ा हुआ है, और आप हरी सब्जियां खाएंगे जिनमें पानी ज्यादा है तो वो नुकसान करेगा। उसके बाद अक्टूबर से फरवरी तक आपका सर्दी का मौसम आ गया। सर्दी के मौसम में क्या होता है, ड्राइनेस बढ़ती है, यानी कि वात बढ़ रहा है। इसलिए वात सर्दी के मौसम में अगर आपकी वात प्रकृति और आप ठंडी चीजें खाओगे तो नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स इन सब चीजों को आपकी शरीर बता सकता है, हमारा अपना बॉडी हमको बता देती है, भैया ये मुझे चीज सूट करती है और ये चीजें मुझे सूट नहीं करती। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान करें। और यू आर व्हाट यू ईट, ना केवल आपका भोजन आपके शरीर पे काम करता है, आपके बिहेवियर और आपके एटीट्यूड पे भी काम करता है। अगर आप सात्विक खाना खाते हैं, सात्विक मतलब सब्जियां खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, अपना चावल रोटी वगैरह खा रहे हैं, ओके, सो ये आपका सात्विक खाना है, ये आपको आपका सत्व बढ़ाएगा, आपकी आपको जो है आपका एक अच्छा नेचर बनाएगा, आपका आपका बिहेवियर अच्छा बनाएगा। जो राजसिक खाना, यानी कि बहुत तेज मसाले खाएंगे, लहसुन खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, अल्कोहल पिएंगे, ये सब चीज जो है इसको राजसिक बोलते हैं, अग्रेसिव, ये आपका अग्रेशन बढ़ाता है। इसलिए ये उनके लिए है जो योद्धा हैं, जो युद्ध में करते थे वो राजसिक खाना खाते थे, वो नॉनवेज खाते थे, वो ऐसी चीजें खाते थे जो तीखी होती है, क्योंकि इसके अंदर अग्रेशन बढ़ता है। अब आम आदमी के अंदर युद्ध पे तो जाता नहीं है, मगर वो इतना हैवी खाना खाता है कि उसके अंदर अग्रेशन बढ़ जाता है। ओके,
तो ये राजसिक बढ़ाता है, तो आपके ये नॉन वेज, खूब सारे मसाले, अल्कोहल, ये अग्रेशन बढ़ाएगा आपके अंदर। और जो बासी खाना है, तमस बढ़ाता है, तमस क्रुएल्टी बढ़ाता है। ओके, इसलिए आप देखिए विदेशों में, अमेरिका में देखिए, एक स्कूल का बच्चा 10 साल का घर से बाहर निकलता है, स्कूल में जाता है, बच्चों को गोलियों से भून देता है। क्योंकि वहां पर क्या है कि ज्यादातर बहुत शहरों में बर्फ पड़ी रहती है साल में 8-10 महीने, ताजा सामान मिलता नहीं, सब लोग बासी खाते हैं और बासी खाना तमस पैदा करता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ज्यादा कोशिश ये करें कि ताजा खाना खाएं। जो सबसे नुकसानकारक चीज हमारे घर में वो फ्रिज है। हम आज का खाना बनाते हैं वो कल खाते हैं, और कल का खाना परसों को खाते हैं। फ्रिज करीब 35 ऐसी टॉक्सिन्स वाली गैसेस पास करता है आपके खाने में, जो उसको नुकसान करते हैं। हम सबको पता है हमारे घर में कितना भोजन यूज होता है, उतना ही बनाइए ना कि सुबह का सुबह खत्म हो जाए, दिन का दिन में खत्म हो जाए, रात का खत्म हो जाए। वो रात को जो आपने बनाया, जो फ्रिज में रखा और जो आप सुबह को उसे खाएंगे, तो वो आपके शरीर को बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो बासी खाना मत खाइए, अपनी प्रकृति के हिसाब से अपना भोजन करिए। अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव खाना खाएंगे, अब आप खुद सोचिए, अगर आपकी पित्त प्रकृति है नंबर वन, आप राजसिक खाना खा रहे हैं, नॉन वेज, अल्कोहल, मसालेदार, लहसुन पूरा डाल के, गरम मसाला डाल के, और दोपहर के टाइम खा रहे हैं, तो भगवान ही मालिक है आपके परिवार का, क्योंकि आप तो विस्फोट ही करेंगे उसके बाद। ओके, आपकी कफा प्रकृति है, आप बहुत भारी भरकम है। ओके, शाम का समय है और आप खूब सारा आइसक्रीम खा रहे हैं, खूब सारा मीठा खा रहे हैं। ओके, सो कफा तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, दिक्कत ही करेगा। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे को कफा प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चों को क्या बुखार प्रॉब्लम होती है, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, यही लगा रहता है। तो बचपन में जो प्रॉब्लम व्यक्ति का क्या है, कफा बढ़ता है, यानी कि चेस्ट से ऊपर की प्रॉब्लम होती है, बचपन में कफा रोग ज्यादा होते हैं। जब हम मिडिल एज के हो जाते हैं, तो मिडिल एज में, जवानी में, इनमें पित्त के रोग ज्यादा होते हैं, पित्त ज्यादा बढ़ता है। तो ज्यादातर आप देखिए बीच की एज में पेट संबंधी रोग ज्यादा होते हैं, एसिडिटी हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं 50 साल 55 साल के बाद, वात बढ़ना शुरू हो जाता है, वात रोग होते हैं। वात मतलब ड्राइनेस, इसलिए बड़े लोगों के जॉइंट्स सूखने लग जाते हैं, उनमें आवाजें आने लग जाती है, उनको अर्थराइटिस होने लग जाता है, उनको ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है। वात क्योंकि दिमाग दौड़ता रहता है, तो इसलिए बड़े लोग जब 55-60 साल के हो जाते हैं तो नींद आना कम हो जाता है उनको। छोटा बच्चा देखिए, कफा बढ़ता है तो बच्चा सोता ही रहता है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद तो वो बहुत समय सोता ही रहता है, 8-8 10-10 घंटे सोता रहता है, क्योंकि कफा में नींद ज्यादा आएगी। इसलिए बोलते हैं शाम को जो 6 से 10 का टाइम है कफा का, उस टाइम बिस्तर पे जाइए, नींद आ जाएगी। पित्त के टाइम पे तो दिमाग चलता है, उस टाइम आपको नींद नहीं आएगी। ओके, सो अपने हिसाब से कीजिए। जो लोग 50 साल से ऊपर हो गए, आपका वात बढ़ रहा है, इसलिए ड्राई चीजें मत खाइए। सलाद भी खाना है थोड़ा सा तेल में, उसको करके करिए, ऑयल मसाज करिए, क्योंकि वात के समय ड्राइनेस बढ़ रही है, तो ऑयली चीज खाइए, ऑयल ऑयल मसाज करिए, जॉइंट्स में मसाज करिए, इसलिए आयुर्वेद में अभिहंगम बोला गया है। यस, सो फ्रेंड्स ये समझ सकते हैं कि हमारे भोजन में प्रकृति है, हमारी शरीर में प्रकृति है, हमारे जो मौसम है उसमें प्रकृति है, हमारे दिन दिन के सारे 24 घंटे में प्रकृति है। अगर हम सब लोग इन सब चीजों को बैलेंस करेंगे, अपने भोजन को बैलेंस करके करेंगे, तो रोग उत्पन्न नहीं होंगे। ओके, और रोग उत्पन्न नहीं होंगे तो भोजन, जैसे बोलते हैं यू आर व्हाट यू ईट, जैसे मैं आपको खुद अपना एग्जांपल देता हूँ। पिछले मैं क्योंकि महीने में 15-20 दिन ट्रैवल करता हूँ, हर हफ्ते अलग स्टेट में होता हूँ, कभी असम में होता हूँ, कभी नागालैंड में होता हूँ, कभी राजस्थान में होता हूँ, कभी बंगाल में होता हूँ, तो खाना बदलता है, जलवायु बदलती है, खाने का समय नहीं मिलता, कभी लंच नहीं किया, तो मेरा अपना प्रॉब्लम क्या है, मेरा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत बड़ा रहता था, वो 150 नॉर्मल होता है, मेरा 600 तक पिछले महीने था। हालांकि मैं भोजन का ध्यान करता हूँ, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, मूवमेंट, ये सारा। सो मैंने पिछले एक महीने में एक डाइटिशियन को, अपने सप्लीमेंट्स तो हम लेते ही हैं साथ में, मैंने एक डाइटिशियन को अप्रोच किया कि भाई दो में ये जो है टाइम लॉकडाउन का मैं अपना सिस्टम ठीक करता हूँ। और पिछला एक महीना हुआ मेरे को, और मेरे सारे टेस्ट मैंने एक महीने में कराए तो नॉर्मल आने लगे। कोई दवाई नहीं ली, केवल अपने VLCC वेलचेंज के सप्लीमेंट्स, साथ में अपने भोजन को चेंज किया। ओके, और जो मेरा 600 था वो 240 हो गया,
और अगले महीने तक पहुंचते पहुंचते मेरा सब बिल्कुल बिलो नॉर्मल हो जाए। यानी कि चाइनीज प्रोवर्ब है, यू आर व्हाट यू ईट। आवर बॉडी इज लाइक अ टेम्पल ओनली इफ यू वर्शिप इट। ओके, सो फ्रेंड्स, भोजन पे ध्यान करिए, आप क्या खा रहे हैं। हम लोग टीवी देख के खाना खाते हैं। याद रखिए, हमें जब भोजन कर रहे हैं, हमें पांचों इंद्रियों से भोजन करना है। आंखों से उसे देखना है, नाक से उसे स्मेल करना है, हाथ, पुराने लोग हाथों से खाना खाते थे, टेस्ट जुबान से करना है। खाना जो है, जैसे बोलते हैं कि जब एक माँ खाना बनाती है, वो बच्चों को जरूर लगता है। क्यों? क्योंकि माँ उसके अंदर एक प्यार डालती है। कई जगह एक किसी रेस्टोरेंट वाला वो प्यार नहीं डालता उसके अंदर, क्योंकि वो उसमें पैसा ढूंढता है, वो उसमें आमदनी ढूंढता है। ओके, तो इसी प्रकार से अपने भोजन को आप पांचों इंद्रियों से खाएं। वो जो 10 मिनट है, मेरे को भी आदत थी, जैसे ही खाना आया, टीवी खोल लिया, न्यूज़ खोल ली, और एक तो इतनी नेगेटिविटी है ना, टीवी में खोलो कोरोना कोरोना, कोई मर रहा है, कोई ये हो रहा है। उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में आप भोजन करेंगे तो 10 मिनट निकालिए अपने लिए, शांत उसमें भोजन को एंजॉय करिए, उसके स्वाद, उसको पेट भरने के लिए मत खाइए, उसके स्वाद लीजिए, उसकी स्मेल लीजिए, उसकी फील लीजिए, उसका टेस्ट लीजिए, तभी वो आएगा। जैसे बोलते हैं कि पहले जमाने में और साउथ में तो अभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी का जो है, पानी को मूवमेंट में मत लीजिए कि एकदम से आपने हैंडपंप से लिया और एकदम से पानी लिया। पानी जैसे नलके से आया, आपने एकदम से पिया, पानी स्थिर होना चाहिए। पुराने लोग क्या करते थे, मटकों में पानी रखते थे और रात को पानी भरते थे और सुबह को उसको पीते थे। बोलते हैं पानी की भी मेमोरी होती है। ओके, और पुराने लोग तो क्या करते हैं, और साउथ में और बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं कि उसकी जो पानी का जो बर्तन है, उस पे उसकी पूजा करते हैं, उसमें तुलसी डाल के रखते हैं। यस, तो ये सब चीजें फ्रेंड्स, आज समय आ गया है कि मानव कितना भी आगे चला गया, हम सब ने देखा, कितना भी विज्ञान कर लो, अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, अगर नेचर के साथ करोगे, तो फिर सुनामी भी आती हैं और अर्थक्वेक भी आते हैं और फिर ये कोरोना जैसे बीमारियां भी आती हैं। और ये बीमारियां हमको बार बार याद कराती हैं, प्रकृति बार बार हमको बोलती है कि अगर आप प्रकृति से सामंजस्य स्थापित नहीं रखोगे, अगर प्रकृति के साथ आप अलाइन नहीं रहोगे, कुदरत के साथ आप नहीं रहोगे, तो कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी मशीन कुदरत से बड़ी नहीं है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जो आज किसी भी देश को, किसी भी सेना को हरा सकता है, आज वो खुद देखिए 4,500 के करीब लोग वहां पे डेथ हो रही है। भारत की बहुत अच्छी बात है, हमारी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी बात है कि समय पे लॉकडाउन लिया। काफी लोगों को लग रहा था, अरे भाई कुछ भी नहीं हुआ, ओके क्यों कर रहे हैं, हमारी आमदनी खत्म हो रही है, हमारा डेफिनेटली आमदनी खत्म हो रही है, नुकसान हो रहे हैं। मगर फ्रेंड्स, जान से नुकसान से ये ठीक है। अगर हमारे यहाँ लॉकडाउन नहीं होता, तो 1 महीने के बाद आज फाइनेंशियल नुकसान तो होना ही था, जान माल का नुकसान भी। इतना कंट्रोल करने के बाद भी 1,000 लोग रोज भारत में बढ़ रहे हैं। अमेरिका जैसे देश जहां पे 25 करोड़ की आबादी है, वहां पे फ्रेंड 4,000 लोग मर रहे हैं। ओके, जिस अमेरिका ने 9/11 में 3,500 लोगों की डेथ हुई और उतने उसने इतने आतंकवादियों को मार दिया, वही अमेरिका आज कह रहा कि साहब 2 लाख लोग मर गए तो भी दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत सही हैं, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सही समय लिया, आपने और हमने संयम का परिचय दिया, पैसा फिर सब लोग कमा लेंगे। और मजे की बात तो देखिए, आज किसी के कोई खर्चे ही नहीं है। आज खाना, पुराने आदम काल में पहुंच गए हम कि साहब सुबह क्या बनेगा, दोपहर क्या बनेगा और शाम क्या बनेगा। ओके, आज सब लोग अपने घर परिवार से मिल रहे हैं, घर परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं, घर परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ओके, ये भी एक समय है, बहुत सारी सीख हमको और आपको देगा। तो मैं आपको यही कहूंगा, प्रकृति से छेड़छाड़ मत करें। भारत का अपना जो आयुर्वेद है, भारत का जो प्राचीन ज्ञान है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो ग्रैंड, अगर आप बहुत शुभ चिंतक हैं, जो आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंडफादर उनके साथ हैं, वो दादा दादी, वो नाना नानी, वो जो बोलते हैं, वो जो नुस्खे बोलते हैं, वो जो चीजें होती हैं, वो सब प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। फिर उन्हीं चीजों पे आते हैं, फिर बैक टू बेसिक्स पहुंचते हैं, फिर अपने को सही वक्त पे भोजन करते हैं। तीनों टाइम भोजन कीजिए, नाश्ता राजा की तरह करिए,
डिनर भिखारी की तरह करिए, लंच मीडियम करिए। खाने के साथ फल मत खाइए, खाने से अलग ही एक मील खाइए। आज की आज नाश्ते में मैं फल ही खाऊंगा, ऐसे ही एक मील खाइए। एक टाइम पे बहुत सारी चीजें मत खाइए। आपके कार्बोहाइड्रेट को हजम करने के लिए अलग तरीके के एंजाइम रिलीज होते हैं, फैट को हजम करने के लिए अलग एंजाइम रिलीज होते हैं, प्रोटीन को हजम करने के लिए अलग एंजाइम। तो अगर आप बहुत सारी खूब सारी 56 प्रकार के व्यंजन एक ही साथ में खा रहे हैं, तो आपको आपका बॉडी उतना एंजाइम उतना कि भाई अभी तो प्रोटीन का एंजाइम रिलीज हुआ, अब कार्बोहाइड्रेट आ गया, अब फैट आ गया। और मेरे को जो डाइटिशियन ने पिछले 1 महीने में दिया है, क्या करते हैं वो कि अगर आज जौ खानी है तो आज दिन भर में जौ की रोटी खानी है, अगर आज सब्जी खानी है तो दिन भर में सब्जी खानी है, अगर आज रोटी दाल खानी है तो आज दिन भर में दाल ही खानी है, आज अगर राइस खाना है तो दिन भर में राइस ही खाना है। ओके, सो ये इस तरीके से हमको, सैलड खाएं तो एक ही चीज का खाएं, एक बहुत सारी चीजें एक साथ मत खाएं, फल खाएं तो एक बार में एक ही फल खाएं, उसको रेनबो ना बनाएं क्योंकि उतनी सारी चीजें बॉडी हजम नहीं खा सक कर सकती। ओके, तो ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, नेचर को समझिए, टाइम से खाना खाइए, तीनों टाइम खाना खाइए, रात को बहुत हल्का खाइए, ये बहुत जरूरी है। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है हमारी पाचन अग्नि तेज होती है, दोपहर को सबसे तेज होती है और सूर्य अस्त के बाद मध्यम हो जाती है। तो जैसे आप खाना चूल्हे पे पकाते हैं उसी प्रकार से आपके पेट में भी खाना पकता है। ओके, सो अगर आप शाम को जब पाचन अग्नि सबसे कमजोर है, अगर आप उस टाइम बहुत हैवी खाने खाएंगे तो पचेगा नहीं फ्रेंड्स। तो लंच में अच्छा खाना खाइए, नाश्ते में अच्छा खाइए, रात को शाम को हल्का खाइए, टाइम से खाइए, 8 बजे से पहले अपना डिनर कर लीजिए, पूरी कोशिश करिए, लंच बिल्कुल मिस मत करिए, बिना नाश्ते के घर से मत जाइए। नाश्ता अगर आप, कई लोग बोलते हैं एसिडिटी है, सुबह नाश्ता करते हैं, रात को 12 घंटे का गैप रखेंगे तो आपका पाचन सिस्टम खराब हो जाएगा। तो मुझे यही कहना है, नेचर के साथ रहिए, प्रकृति के साथ रहिए, अपनी प्रकृति को जानिए, कुदरत के साथ रहिए, कुदरत के साथ छेड़छाड़ मत करिए। आयुर्वेद बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों सभी स्वस्थ हों यही कामना है। और आयुर्वेद बोलता है कि 85% तो आप चिकित्सक अपने खुद हो, अगर आप अपना आहार और विहार ठीक रखोगे फ्रेंड्स तो आपका लाइफस्टाइल ठीक रखोगे, आप बीमारी से बचोगे, खुद भी बीमारी से बचोगे और अपने प्रियजनों को बचाओगे। थैंक यू, मेरे को यही कहना है, किसी का कोई सवाल है तो आप मैसेज कर सकते हैं, अगले 5 मिनट में आई कैन आंसर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सुना होगा और ये रिकॉर्डिंग भी होगा आप लोगों के पास, इसको बार बार सुन मचिए। थैंक यू एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। फ्रेंड्स वेदों में लिखा है भोजन अंते विषमबारी, भोजन के अंत में पानी पियोगे तो विष के समान है। मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट को हजम करने के लिए अलग अलग एंजाइम रिलीज होते हैं, ये एंजाइम कुछ ML होते हैं, इनसे पाचन तेज होता है। तो अगर आपने खाना खिया पानी पिया तो ये डाइल्यूट हो जाते हैं, तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो आपका पाचन होना था अब वो 4-4 घंटे नहीं होगा। खाने के 45 मिनट के बाद पीजिए, बहुत अच्छा फ्लाश आउट हो जाएगा। खाने से 1.25 घंटा पहले पीजिए तो अच्छा रहेगा। खाने के साथ पानी बिल्कुल भी मत पीजिए, नंबर 1। नंबर 2, गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों में फ्रिज का पानी मत पीजिए। याद रखिए हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, करीब 30 डिग्री सेल्सियस। जब आप फ्रिज का 4 डिग्री 3 डिग्री का पानी पीते हैं तो ये आपकी बॉडी का जाके तापमान गिरा देता है। जब आपका तापमान नीचे जाता है तो आपके ब्रेन को मैसेज जाता है कि मेरे मालिक का तापमान कम हो गया, इसको बढ़ाओ। तो आपका सारा ब्लड आपका पेट में जाता है और सारा आपकी जो एनर्जी है वो तापमान को वापस आपके 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में लग जाता है। तो जो एनर्जी आपकी बॉडी की रिबिल्ड करने के लिए लगनी चाहिए थी वो आपके तापमान को बढ़ाने में लगती है। ओके, सो आप ठंडा पानी मत पीजिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल मत पीजिए। सब लोग गर्मी में जाते हैं दोपहर में बाहर घूमते हैं, पित्त बढ़ रहा है और बर्फ का पानी पीते हैं एकदम से, तो बीमारी, तो शरीर को एकदम से शॉक लगेगा, एकदम से बीमारी होगी।
सुबह उठ के जरूर पानी पीजिए, सुबह उठ के, अभी गर्मी आया है तो नॉर्मल वरना गुनगुना पानी पीजिए, रात को जो प्रोसेस हुआ बॉडी में सुबह को वो सब फ्लश आउट हो जाएगा सिस्टम, बहुत अच्छा। सुबह को अगर आपको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आप रात को मेथी भिगोएं और सुबह को मेथी का पानी पीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैंने अभी ऐसा किया 1 महीने से, मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला। रात को मेथी भिगोया और सुबह उठ के लिया। सुबह को मैक्सोरेक हमारा जो प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट, सुबह उठ के आप उसको नाश्ते के सॉरी उठने के बाद पानी के साथ मैक्सोरेक लीजिए, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। विटामिनरल जो जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स होता है, वो खाने के साथ लेना चाहिए, तो वो खाने के पाचन को तेज करता है आपके। तो विटामिनरल जो है, आप जैसे लंच कर रहे हैं या सुबह नाश्ता और डिनर कर रहे हैं, लंच और डिनर, तो विटामिनरल आप साथ में लें तो ये आपको बहुत अच्छा फायदा देगा इसके लिए। अब जैसे वुमन हेल्थ है, कुछ लेडीज को लगता है कि आयरन टॉनिक है, मुझे भारीपन लगता है, तो वो खाने के साथ लें। कैल्शियम को हजम करने के लिए, आयरन को हजम करने के लिए एसिड होना चाहिए अच्छा, तो इसलिए वुमन हेल्थ या कोई कैल्शियम का सप्लीमेंट सपोज ले रहे हैं तो आपको हैवीनेस लगता है तो आप खाने के साथ लें, लंच के साथ। जैसे हमारा कैल्शियम विद डी3 है, इसको दोपहर को लंच के साथ लें तो आपका वो अच्छा, बहुत अच्छा हजम होएगा। ये चीजें तो यही सब चीजें, आप वीएलसीसी वेल साइंस के साथ हैं और कल से हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट शायद कुरियर वगैरह खोल देगा, तो फिर जो भी आपने पिछले महीने में मेहनत किया है डिजिटली प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, आप उसको क्लोज करिए, लोगों को अपने प्रोडक्ट प्रमोट करिए, कुरियर जैसे खुल जाएंगे तो पूरी उम्मीद है कि आप सब बिजनेस आपका फर्स्ट होगा। अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाइए, अपने फ्रेंड्स ये समय है, बल्कि चाहूंगा कि अगला हम सेशन 1-2 दिन के अंदर करें जिसपे हम फाइनेंशियल प्लान पे, मैं चाहूंगा कि मैं एक सेशन करूं आपको कि किस तरीके से आप अपने किस तरह से आप अपने जो है अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले एक एक महीने में जब आमदनी कम है या कई लोगों की बिल्कुल भी नहीं है तो सबको समझ आ गया होगा कि कितना नुकसान हो सकता है और हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये इम्पोर्टेंट है। हमारा जो प्रदीप जी पूछ रहे हैं, हाउ मच ओरेक फॉर 1%, देखिए मैक्सोरेक आप सुबह शाम ले सकते हैं, हमारा जो मैक्सोरेक है ये करीब 5,000 यूनिट एंटीऑक्सीडेंट देता है अगर आप सुबह और शाम लेते हैं, ये सबके लिए बहुत जरूरी है मैक्सोरेक। और बड़े लोगों को आप ऑयल मसाज दें, यैप ऑयल ऑर्थोइड के साथ यैप ऑयल दीजिए उनको, मैक्सोरेक दीजिए, बहुत जरूरी है। विटामिनरल सब लोग लें, ये बहुत जरूरी है। B12, क्योंकि नसों की जो प्रॉब्लम होती है वो विटामिन B12 की कमी से होती है। सो फ्रेंड्स, वीएलसीसी वेल साइंस के सप्लीमेंट्स आप जानते ही हैं कि सभी के लिए हैं और आज बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मुझे यही कहना है, ऑल द बेस्ट और सब लोग स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें और लेट अस बी सेफ, सेफ रहिए। जितना आप घर पे रहेंगे उतना लॉकडाउन खुलने का अच्छा चांस रहेगा, अगर सब लोग घर से बाहर निकलेंगे, जो लोग घर से बाहर निकलेंगे औरों को फैलाएंगे तो ये लॉकडाउन और बढ़ेगा। तो बी एट सेम, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। थैंक यू एवरीबडी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।